नमस्कार, मैं पारुल गुप्ता, मैं एक योगा टीचर हूँ और मैं एक वेस्ट में टेस्ट कुकिंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने जा रही हूँ। अक्सर हमारे घर में कुछ बच जाता है खाना खाने के बाद, तो उसको एक नया रूप देने के लिए कुछ इनोवेशन के साथ, कुछ हेल्दी ट्रिक्स के साथ आज हम एक चाट बनाने जा रहे हैं। ये देखिए, मेरे घर में आज दिन में आलू की सब्जी बनी थी, तो आलू टमाटर की सब्जी थोड़ी बच गई है, मैं इसी से ये चाट बनाऊंगी। और हमने तरबूज खाया है, तो तरबूज के छिलके भी रखे हैं जिनको हमने ब्लांच किया है। और ब्लांच करने के बाद इनको हम गुड़ और हरी मिर्च और नींबू डालकर थोड़ा काला नमक ऐड करेंगे। उसके साथ एक खट्टी मीठी चटनी बनाएंगे, तरबूज के छिलकों की चटनी, तो वो इस चाट में जाएगी। और साथ में कुछ मखाने और काजू हम रोस्ट कर लेंगे, और रोस्ट करने के साथ ही इनको भी ग्राइंड कर लेंगे और एक चाट तैयार करेंगे। अभी हम चाट की तैयारी कर चुके हैं और एक हमने तवा रख दिया है गरम करने। इसमें हमने देसी घी डाल दिया है, 3 बड़े चम्मच देसी घी ऐड किया है और तेल को गरम होने देंगे। ये 5 फोड़न का मसाला है जिसको हम तड़के में इस्तेमाल करेंगे। और तड़का डालने के बाद इसमें हम अपने आलू टमाटर की जो सब्जी हमने मैश करके रखी है अच्छे से भून लेंगे। 8 फोड़न का मसाला बहुत बंगाल में फेमस है। और इसके साथ ही स्पाइसेस जाएंगे, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, चाट मसाला और चुटकी भर गरम मसाला पाउडर। अभी हमने तरबूज के छिलकों का जो चटनी बनाई है, खट्टी मीठी चटनी बनाई है गुड़ डालकर और हरी मिर्च डालकर, इसको भी इसमें ऐड कर लेंगे और अच्छे से भून लेंगे। आलू टमाटर अच्छे से भुन गए हैं और जो खट्टी मीठी चटनी बनाई थी तरबूज के छिलके की, वो भी उसी में शामिल हो गई है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आने वाला है, थोड़ा स्पाइसी और थोड़ा मीठा। इसमें अब हम ऐड करने जा रहे हैं ये ग्राइंड किए हुए मखाने और काजू। ये भी हमने रोस्ट कर लिए थे मखाने और काजू, और इनको अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। तो घर में हमारे पास कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन टाइम है और अन्न की बर्बादी नहीं, कुछ भी टेस्टी और यमी बन सकता है घर के ही खाने से। इसमें अब हम ऐड करने जा रहे हैं कच्ची हल्दी की डिप। ये रॉ टर्मरिक जो होती है उसको आंवला के साथ पीस लिया है, क्योंकि इसमें 2-3 तरह की चटनियां मैं शामिल कर रही हूँ। ये खट्टी मीठी चटनी एक और है, अनार की और खजूर की, ये बहुत टेम्पटिंग लगती है। साथ में कोरिएंडर और मिंट डिप जिसमें कैप्सिकम का इस्तेमाल किया है। ये बहुत अच्छी चटनियाँ हैं खट्टी मीठी, और ये इंस्टेंट बनने वाली हमारी चाट रेडी है। इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। इसमें अभी हमने कच्ची हल्दी की डिप डाल दी है, साथ में कैप्सिकम डिप और अनार की चटनी। ये सर्व करने के लिए रेडी है। इसमें थोड़े से मेलन के ही सीड्स डाल देते हैं, वाटरमेलन सीड्स हैं मेरे पास। ये देखिए तरबूज के बीज, थोड़े से गार्निश के लिए, और ये बहुत हेल्दी भी होते हैं, सीड्स हमें वैसे भी खानी चाहिए। फ्रेंड्स, रेडी है यमी चाट, वाटरमेलन के छिलकों से बनी हुई चटनी के साथ आलू टमाटर की सब्जी को एक नया रूप देकर यमी चाट बनी है आप सबके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।